शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण खूबसूरत नजारा है, इतनी अच्छी एनर्जी, इतने अच्छे वाइब्स, ये मेरे जीवन का सबसे बेस्ट जन्मदिन है अगर मैंने देखा है, और आज के बाद मुझे लगता है कि मैं भी सिर्फ शिवरात्रि के ही दिन केक काटूंगा। बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने कहा डिवाइन एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। शायद मैं आज के लिए ही आने का मेरा मुहूर्त था या मेरा सौभाग्य था। और व्हाट अ प्लेस, व्हाट अ बर्थडे, आज से शायद सालों साल बाद मैंने केक काटा है, और केक काटने में जो आनंद आज आया है, और अदीमा के हाथ से आज जो केक खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आई नेवर फॉरगेट इट। ग्रेट, थैंक यू निकुंज जी फॉर दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस। With confidence and grace. Before we begin our performance, we would like to express our gratitude to Brahma Kumari Yog Bhavan Ghatkopar for giving us this opportunity to perform on such an auspicious day. Smaraya, Vikrata Smaraya, Namaste Vaya, Namaste Vaya.
आज का ये सबसे इम्पोर्टेंट डे हम डांसर्स के लिए महाशिवरात्रि का, क्योंकि हम सब हमेशा शिव जी नटराज जी की पूजा करते हैं। तो हम ब्रह्म कुमारी योग भवन राजकोपर की तय दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमें यहाँ पर बुलाया और हमको आज का एक इतना सुंदर नृत्य पूजा करने का अवसर मिला। मेरे साथ सुजाता, दृष्टि, अश्विनी और दिव्या है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। वी हैव बीन, इट्स बीन अ प्रिविलेज टू परफॉर्म हियर। आई एम डॉक्टर चंद्रशेखर चौहान। आज मैं यहाँ पे ब्रह्म कुमारी जी के शिवोत्सव में आया था। यहाँ पे 25 फीट की बहुत ही शानदार शिवलिंग बनाई है और बहुत खूबसूरत यहाँ पे प्रोग्राम हुआ। दीदी के आशीर्वाद लेने का अवसर मिला और आज हमारी शिवरात्रि बहुत ही अच्छी गुजरी। हेलो, नमस्कार, ओम शांति। मैं स्मिता चौहान। यहाँ पे आके मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता हुई और शिवानी दीदी को मैं सुनती हूँ ऑनलाइन, उनको दे उनको इंस्पायर होके और हमारे दोस्त ने हमको यहाँ पे इनवाइट किया। बहुत बहुत अच्छा लगा महाशिवरात्रि के दिन और इतना बड़ा शिवलिंग देख के तो बहुत ही प्रसन्नता हुई। थैंक यू सो मच। देखिए, जो आपको सफेद वस्त्र में जो दीदियाँ हमारी दिख रही है, उन्होंने शिव के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है और उनके उनके लिए इतना आदर, इतना सम्मान भाव सबके मन में तो रहते ही है। मेरे मन में बहुत विशेष हमारी नलिनी दीदी का, अगर आप जीवन का पूरा परिचय देखेंगे, कहानी के रूप में देखेंगे, तो आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी। मात्रा में तराना है जो राग जोग पर आधारित है, हिंदुस्तानी संगीत है। शायद किसी को कम अच्छा लगे, लेकिन हिंदुस्तान की ही बात आज इसलिए जरूरी है क्योंकि परमपिता शिव परमात्मा का अवतरण इस भारत में ही होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, भारत अमेरिका या लंदन या कनाडा नहीं होता है। और शिव जी उसको लेते हैं, अपने कंठ में लेते हैं, उसी से वो मतलब नीलकंठ हो जाते हैं। तो उस समुद्र मंथन का जो डिस्क्रिप्शन है कि खींच रहे हैं समुद्र मंथन, और उसका जो डिस्क्रिप्शन है कि और फिर फाइनली वो लेते हैं अपने में, तो कद्धा किटकिट धिन धागे टिकट धिन 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 धागे टिकट, तो असुर और देवता वो खींच रहे हैं उसको। कद्धा किट तक तकिट धिन धागे तेरे किट धिन 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 धागे तेरे किट धागे तेरे के घे तरान धागे तेरे के रकत कत तेरे घे तेरे कतान धा धिंग ते ते कत्ता कत धागे तेरे किट धा
मन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव शिव चटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिंब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि ठगठगठगज्वलललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजा निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम ज्योति स्वरूपम शिवोहम शिवोहम ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम प्रेम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तुमने मुझे कई नामों से याद किया किंतु शिव मेरा मंगलमय नाम। मैं तुम्हारा पिता हूं। जब जब धर्म की ग्लानि होती है
अधर्म बढ़ता है, तब तब शंकर के द्वारा इस अधर्म का विनाश करने मैं आता हूं और ब्रह्मा के तन के आधार को लेकर एक धर्म, एक राज्य की स्थापना आपके सम्मुख हर 5000 वर्ष के बाद हर संगम युग पर अवतरित होता हूं। लक्ष्मी जैसी नारी होगी, नर होगा नारायण जैसा, मानव देव समान होगा, हो 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 हो। लक्ष्मी जैसी नारी होगी, नर होगा नारायण जैसा, मानव देव समान होगा, हो 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 हो। सुख शांति आनंद होगा, जीवन में संतोष होगा, सबके मन में प्रेम होगा, हो 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 हो। सुख शांति आनंद होगा, जीवन में संतोष होगा, सबके मन में प्रेम होगा, हो 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 हो। एक धर्म एक भाषा, सब में भाईचारा होगा, अहिंसा परमो धर्म होगा, हो 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 हो। एक धर्म एक भाषा, सब में भाईचारा होगा, अहिंसा परमो धर्म होगा, हो 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 हो। कला और संस्कृति से सबका जीवन पूर्ण होगा, सबका जहां सम्मान होगा, हो 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 हो। कला और संस्कृति से सबका जीवन पूर्ण होगा, सबका जहां सम्मान होगा, हो 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 हो। हल्दी जो है वो पवित्रता के निशानी है। आप पंडित को, जो ओरिजिनल पक्का पंडित होगा, जिसको ओरिजिनल शास्त्र मालूम है, उसको जाके पूछो, वो बताएगा कि तुम्हें बेटा बेटी को अब पवित्र प्रवृत्ति में प्रवेश करना है, इसीलिए उसको अपने तन मन को पवित्र बनाना है, अपने मनों को, विचारों को, संस्कारों को श्रेष्ठ बनाना है, क्योंकि वो पवित्र प्रवृत्ति में अर्थात पारिवारिक सिस्टम में प्रवेश करेंगे और जब संतान उत्पन्न करेंगे वो श्री कृष्ण जैसा, राम जैसा हो। सिर्फ एक अंदाजा देना चाहता हूं कि इतने गाने साधना जी ने गाए हैं अलग अलग भाषाओं में, लेकिन उन्होंने गिनती नहीं रखी है उन गानों की। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा था, इंटरनेट कहता है 15,000, 20,000, 25,000, मुझे लगता है उससे भी ज्यादा होंगे, क्योंकि जब आप किसी कला के साथ जुड़ जाते हैं तो जैसा कि नाम है इनका, वो कला आपके लिए साधना बन जाती है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे साधना सरगम जी का। या कि यहाँ पर वो जगह है, वो सेंटर है जो ब्रह्मा बाबा ने उसका ओपनिंग किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत कमाल के वाइब्रेशंस हैं यहाँ पर, और आप सबकी तपस्या, आप लोग जो काम कर रहे हैं, हमारी आदरणीय पूजनीय नलिनी दीदी जी, उनका काम इतना बड़ा है, कितने लोगों को उन्होंने रास्ता दिखाया, कितने लोगों का जीवन उजागर किया है आपने, कितने लोगों को प्रेरणा दी है, और इतना सब कुछ करते हुए भी आप इतने मुस्कुरा के, इतने सहज भाव से रहते हैं, बहुत कुछ सीखने जैसा है आपसे। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आप सबसे मिलकर। और बहुत एक अच्छी बात है कि बहुत साल पहले दीदी ने बोला कि कल्याण जी, आनंद जी, और मैं बहुत छोटी थी, अलका याग्निक और पंकज उदास जी, हम सब माउंट आबू गए थे, दीदी लेकर गई थी, और उस वक्त जो महसूस किया, और कल्याण जी भाई तो बहुत खुश हुए, ऐसा दीदी बता रही थी कि उनके पीछे ऑटोग्राफ, ये वो, फोटोग्राफ के लिए कोई आ नहीं रहे थे, तो वो बहुत शांति से, मजे से यहाँ वहाँ घूम रहे थे माउंट आबू में। वो जगह ही ऐसी है, वो प्यार ही ऐसा है, बाबा की कृपा, बाबा की किरणें वहाँ बरसती हैं। तो जो जिनके भाग्य में होगा उनको वहाँ जाने का मौका मिलता है, जैसे आपने यहाँ आने का मौका दिया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। मूल्यवान है, नहीं चाहिए।
उत्सव का सचमुच ही भाव विभोर मुझे और दीदी जी को, हमारे तो आंख से आंसू रुक नहीं रहे थे। दो हम दोनों के फेवरेट गाने वो इन्होंने गाए और तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूँ। केवल एक फ़ोन करने पर आप आ गई तो इतनी सरल स्वभाव की, वरना मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं इस क्षेत्र में और उसमें भी आज की समय में कि जहाँ पे डायरेक्टली कलाकार मिलते नहीं, या तो कहेंगे हमारा मैनेजर से बात करो, हम अभी फ्री नहीं है, अनेक प्रकार के उनके भाव स्वभाव होते हैं। पर मैंने देखा ये इतनी सरल स्वभाव की है, मुझको लगता है कि कैसे इस इंडस्ट्री में अब तक सर्वाइव हुए इतना सरल स्वभाव के साथ। परंतु कहते हैं कि भगवान हर युग में, ये महाकलयुग है उसमें भी भगवान ने अपने स्वरूप में इनके जैसे लोग रखे हैं। तो हमारी यही शुभकामना और आशीर्वाद है, आप सदैव ऐसी रहो, आवाज भी ऐसी रहे, परंतु उससे भी ज़्यादा स्वभाव ऐसा रहे। तो बहुत 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 शुक्रिया। Show our machachito.